वेलकम टू ड्रीम केबीसी चिक्के। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जिक्के चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर झारखंड राज्य के जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के पूरे 50 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए जो आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ही उपयोगी प्रश्न है। यहाँ पे पूरे 50 क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन बोलूंगा, बाद में उसके चार ऑप्शन भी दिए जाएंगे, बाद में उसका आंसर सोचने का आपको थोड़ा टाइम भी दिया जाएगा। अगर आपको पता हो तो उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। आखिर में कितने क्वेश्चन के आंसर सही होते हैं वो आप ईमानदारी से अपना खुद का टेस्ट दे सकते हो। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे, नॉलेजेबल लगे, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जिक्के चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। झारखंड राज्य में झूमर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? यहां पे चार ऑप्शन दिए गए, अगर आपको बताओ तो आप कमेंट भी कर सकते हो, सोचे इसका आंसर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर पर्व त्योहार के अवसर पर झारखंड राज्य में झूमर गीत गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर टू, झारखंड में पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन है नेतरहाट। नेतरहाट को झारखंड में पहाड़ों की रानी कहा जाता है, द क्वींस ऑफ हिल। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री। तोपचांची झील झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी धनबाद। तोपचांची झील झारखंड राज्य के धनबाद जिले में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर फोर। झारखंड में कनाडा बांध किस नदी पर है? झारखंड में कनाडा बांध किस नदी पर स्थापित है? इस क्वेश्चन का उत्तर मयूराक्षी नदी पर स्थापित है झारखंड में कनाडा बांध। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव। लावालौंग अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी चतारा। तो लावालौंग अभयारण्य झारखंड के चतारा जिले में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर सिक्स। झारखंड में किस स्थान पर केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान स्थित है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन है जलगोड़ा। तो झारखंड में जलगोड़ा में केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर सेवन। कार्तिक उराव के नेतृत्व में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी कार्तिक उराव के नेतृत्व में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना? क्वेश्चन 1968 में कार्तिक उराव के नेतृत्व में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना हुई थी। तो आदिवासी विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी 1968 में? तो किसके नेतृत्व में हुई थी? तो कार्तिक उराव के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर एट। बिरसा मुंडा ने किसे अपने आंदोलन की धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख बनाया था? यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है सोमा मुंडा। तो बिरसा मुंडा ने सोमा मुंडा को अपने आंदोलन की धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख बनाया था। क्वेश्चन नंबर नाइन। महाकवि घासीराम किस भाषा के प्रसिद्ध रचनाकार है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है संथाली भाषा। तो महाकवि घासीराम संथाली भाषा के प्रसिद्ध रचनाकार है। क्वेश्चन नंबर टेन। हजारीबाग की शुभलक्ष्मी शर्मा का संबंध किस खेल से है? शुभलक्ष्मी शर्मा का संबंध किस खेल से है? किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी है? क्वेश्चन का सही उत्तर क्रिकेट। तो शुभलक्ष्मी शर्मा का संबंध क्रिकेट से, क्रिकेट की खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। वर्ष 2016 में ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से झारखंड के किस हॉकी खिलाड़ी को सम्मानित किया गया था? क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन है सिल्वानस डुंगडुंग। सिल्वानस
डुंगडुंग को वर्ष 2016 के ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो उनको हॉकी के खिलाड़ी थे अंतर्राष्ट्रीय लेवल के, उनको हॉकी के आयरन मैन के नाम से जाना जाता था। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। वर्ष 2010 के राष्ट्रमंडल खेल में झारखंड की दीपिका कुमारी ने किस खेल में 2 स्वर्ण पदक जीते थे? इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ई तीरंदाजी, अर्चरी में। वर्ष 2010 के राष्ट्रमंडल खेल जो दिल्ली में हुए थे, तो झारखंड की दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी अर्चरी में 2 गोल्ड मेडल जीते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। राजरप्पा मां छिन्न मस्तिका शक्तिपीठ मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? छिन्न मस्तिका शक्तिपीठ मंदिर झारखंड के किस जिले में है? इस क्वेश्चन का उत्तर रामगढ़ जिले में है, राजरप्पा में है, रामगढ़ जिले में मां छिन्न मस्तिका शक्तिपीठ मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। रजरप्पा मां छिन्न मस्तिका शक्तिपीठ मंदिर पवित्र स्थान दामोदर और कौन सी नदी के संगम स्थल पर स्थित है? तो रजरप्पा छिन्न मस्तिका शक्तिपीठ मंदिर पवित्र तीर्थ स्थान है, प्रसिद्ध है। तो दामोदर और कौन सी नदी के संगम पर स्थित है ये मंदिर? ये 4 नदी के नाम दिए गए, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी भैरवी नदी। तो भैरवी नदी के संगम, दामोदर और भैरवी नदी के संगम स्थल पर स्थित है छिन्न मस्तिका शक्तिपीठ मंदिर रामगढ़ जिले में। क्वेश्चन नंबर 15। आदि धर्म नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो, सोचिए इसका आंसर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी रामदयाल मुंडा। रामदयाल मुंडा आदि धर्म नामक पुस्तक के रचनाकार है, लेखक है। क्वेश्चन नंबर 16। किस संथाली नाटककार को उनके उपन्यास राही रावण कान्हा के लिए सन वर्ष 2010 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 2010 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से किस संथाली भाषा में किसे सम्मानित किया गया था? उनकी रचना राही रावण कान्हा के लिए, यहाँ पे 4 लेखों के उपन्यासकार के नाम दिए गए हैं, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है भोगला सोरेन को। भोगला सोरेन को, संथाली नाटककार को उनके उपन्यास राही रावण कान्हा के लिए वर्ष 2010 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। झारखंड कास्ट ओवर ग्रेव्स झारखंड कब्रों का महल के लेखक कौन है? ये पुस्तक के लेखक कौन है, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन का उत्तर विक्टर दास है, झारखंड कास्ट ओवर ग्रेव्स के लेखक। क्वेश्चन नंबर 18। द एड्स ऑफ पावर द डेडी द बर्थ ऑफ फादर पुस्तक के लेखक तुहिन सिन्हा झारखंड में कहां के निवासी है? तो पहले तो ये दोनों पुस्तक प्रसिद्ध पुस्तक है, एड्स ऑफ पावर द डेडी द बर्थ ऑफ फादर, ये दोनों पुस्तक के लेखक कौन है? तो तुहिन सिन्हा, तो झारखंड में कहां के निवासी है, यहाँ पे 4 स्थान के नाम दिए गए, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन का उत्तर है जमशेदपुर के निवासी है तुहिन सिन्हा, द एड्स ऑफ पावर एंड द डेडी द बर्थ ऑफ फादर के लेखक। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर रणेंद्र है, गायब होता हुआ देश के उपन्यास के लेखक रणेंद्र। क्वेश्चन नंबर 20। मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए, अगर आपको बताओ तो आप कमेंट भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन का उत्तर जगदीश त्रिगुणायत मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक के लेखक है।
क्वेश्चन नंबर 21, संथाली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? अगर आपको पता हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो, सोचिए इसका आंसर। इस क्वेश्चन का उत्तर 2005 से संथाली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, दलमार गज अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है पूर्वी सिंहभूम। दलमा गज अभयारण्य झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड में स्थापित पत्रालू ताप विद्युत संयंत्र किस देश के सहयोग से बना था? यहां पर चार ऑप्शन दिए गए, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। क्वेश्चन का सोवियत यूनियन के देश के सहयोग से बना था झारखंड में स्थापित पत्रालू ताप विद्युत संयंत्र। क्वेश्चन नंबर 20, संथाल परगाना कस्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया था? संथाल परगाना कास्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया था, किस वर्ष पारित किया गया था? इस क्वेश्चन का सही 1949 में संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर पलाश, झारखंड का राजकीय पुष्प है। क्वेश्चन नंबर 20, मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? यहां पे चार ऑप्शन दिए गए, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन का उत्तर है धनबाद। तो मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? इस क्वेश्चन का उत्तर है हजारीबाग जिले में स्थित है झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र। क्वेश्चन नंबर 28, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का उत्तर है रांची को झारखंड का शिमला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? झारखंड में स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन का से 1980, तो 1980 में झारखंड में स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 30, झारखंड राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? झारखंड राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर स्थापित है? चार नदियों के नाम दिए गए, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो, सोचिए इसका आंसर। इस क्वेश्चन का स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है झारखंड राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना। क्वेश्चन नंबर 31, झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है? क्वेश्चन होता है कोयल कुकू, झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 30, झारखंड में किस जनजाति में श्राद्ध संस्कार को कमावत कहा जाता है? झारखंड में किस जनजाति में श्राद्ध संस्कार को कमावत कहा जाता है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है भूमिज। तो झारखंड में भूमिज जनजाति में श्राद्ध संस्कार को कमावत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, किस काल में झारखंड राज्य को कुकरा के नाम से जाना जाता था? किस काल में झारखंड राज्य को कुकरा के नाम से जाना जाता था? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है मुगल काल में। तो मुगल काल में झारखंड राज्य को कुकरा के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 34, झारखंड में किस लोक नृत्य को जन्मोत्सव आदि अवसरों पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है? किसे उधर पवड़िया नृत्य, झारखंड में पवड़िया नृत्य लोक नृत्य जन्मोत्सव आदि अवसरों पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, किस शहर को झारखंड के इस्पात शहर के नाम से रूप में जाना जाता है, स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है? किसे उधर जमशेदपुर को झारखंड के इस्पात शहर के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है?
क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम झारखंड राज्य का सबसे बड़ा जिला है। क्वेश्चन नंबर 37, जत्रा टाना भगत ने किस वर्ष शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी? तो शुद्धि आंदोलन की शुरुआत किस थी? तो जत्रा टाना भगत ने की थी। किस वर्ष की थी? यहां पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी 1914 में। तो 1914 में जत्रा टाना भगत ने शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 38, झारखंड में एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुई थी? झारखंड में एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुई थी? इस क्वेश्चन का से 1937 में झारखंड में एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 38, झारखंड के रांची में HEC का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया था? यहां पे चार ऑप्शन दिए गए, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया के देश के सहयोग से झारखंड के रांची में HEC का कारखाना लगाया गया था, स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, झारखंड का पहला जनजातीय विद्रोह कौन सा था? इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी डाल विद्रोह। तो डाल विद्रोह झारखंड राज्य का प्रथम जनजातीय विद्रोह था। क्वेश्चन नंबर 44, विधानसभा में पहला नामांकित सदस्य कौन है? चार नाम सदस्य के नाम दिए गए हैं, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन को जोसेफ गाल्स्टीन, यहां पे गाल्स्टीन आता है, जोसेफ गाल्स्टीन विधानसभा में पहला नामांकित सदस्य है झारखंड ने। क्वेश्चन नंबर 40, झारखंड की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? सोचे इसका आंसर, पता हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी 1872 में झारखंड की पहली जनगणना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 43, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत पुस्तक मुंडारी टूंड कोठारी के लेखक कौन है? साहित्य अकादमी से पुरस्कृत पुस्तक मुंडारी टूंड कोठारी के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन थे मनन दस दस मुंडा। मनन दस मुंडा साहित्य अकादमी से पुरस्कृत पुस्तक मुंडारी टूंड कोठारी के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 40, बौद्धकालीन भद्रकाली मंदिर कहां स्थित है? सोचे इसका आंसर, आपको बताओ तो आप कमेंट भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन होता है चतरा में स्थित है बौद्धकालीन भद्रकाली मंदिर। क्वेश्चन नंबर 45, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आपको पता ही तो इसका आंसर इससे पहले आ गया है। किसी का उत्तर जलगोड़ा में स्थित है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान। क्वेश्चन नंबर 40, झारखंड में जुबली पार्क कहां स्थित है? क्वेश्चन होते जमशेदपुर में स्थित है झारखंड में जुबली पार्क। क्वेश्चन नंबर 47, इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां स्थित है झारखंड में? इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहां पे चार ऑप्शन दिए गए, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन नाम कुंभ में स्थित है इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन नंबर 40, झारखंड में भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? इस क्वेश्चन का तो है गंगा नारायण सिंह। गंगा नारायण सिंह झारखंड में भूमिज विद्रोह के नेता थे। क्वेश्चन नंबर 40, छिन्न मस्तिका मंदिर में किस देवी की मूर्ति स्थापित है? झारखंड में छिन्न मस्तिका मंदिर में किस देवी की मूर्ति स्थापित है? किसे बता रहे काली का महाकाली की मूर्ति स्थापित है काली की छिन्न मस्तिका मंदिर में। क्वेश्चन नंबर 50, और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन, चंद्रपुर ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थित है? यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए, आप वो बताओ तो आप कमेंट भी कर सकते हो। सोचिए इसका आंसर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता ही होगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए बोकारो। तो चंद्रपुर ताप विद्युत गृह
बोकारो में स्थित है थर्मल पावर स्टेशन चंद्रपुर। तो यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है हमारा। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जिक्के चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, आपको नम्र विनती रहेगी आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।